कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति शामली उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव और शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार विहार प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज धर्म संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 5020007335817, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP साधु सेवा ट्रस्ट@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, इस संसार से कैसे बचें? ये संसार इतना विचित्र है, जितना जितना इसमें जाते हैं उतना उतना हम दुखी होते चले जाते हैं। घुमाई फिराई खिलाई पिलाई ये सारी क्रिया हमने कर ली, लेकिन बाद में पता लगा ये सब इन सब के पीछे तो कोई स्वार्थ था, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, इसलिए ये सब किया गया था। ये किसी की अमानत है, इसीलिए इसको पालना है, ये हमें बड़े होके पता लगा। भाई ने जब भाई को धोखा दे दिया तब एहसास हुआ कि मैं तो अकेला ही अच्छा था। बेटे ने जब धोखा दे दिया तब ज्ञात हुआ कि ये संसार अच्छा नहीं है। फिर इस संसार से कैसे बचें? संसार से बचने का उपाय क्या है? आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने दो गाथाओं के माध्यम से हमें समझाया है कि संसार से कैसे बचना है। 62 और 63 नंबर की गाथा में दिया है, आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार देख लें। सम्मत गुणा ही सुख गई, मिच्छा दो होई दुख गई, नियमा इदि जान किमी बहुणा, जम रुच्यदि तम कुज्जा हो, मोणा छिज्जई अप्पा, दारुण कम्बम करे बहुवारम, नाहू पावई भवतीरम, किम बहु दुख वही मूढ़मयी। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी सम्यक को महत्व दे रहे हैं। कुनकुन स्वामी जी की अभी तक की गाथाओं में सम्यक को महत्व ज़्यादा दिया गया, कारण जब तक हमारा सम्यक नहीं होगा तब तक की हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी जी यहाँ ये लिख रहे हैं कि सम्यक गुण से नियम से सुगति होती है और मिथ्यात्व से दुर्गति होती है, ऐसा जानकर जम रुच्यति तम कुज्जा हो, जो रुचे सो करो, बहुत कहने से क्या लाभ है। ज़्यादा मत समझाओ बहू बेटा
बेटी कोई गलत क्रिया कर रहा है, एक बार कह दो, दो बार कह दो, लेकिन ज़्यादा समझाओगे रिश्ता भी चला जाएगा, समझेगा भी नहीं। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, सम्यक दर्शन से क्या लाभ है, सुगति मिलेगी, मिथ्यात्व से दुर्गति, जो तुम्हें करना है सो कर लो। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी ये कहा है कि मैं उत्तम सुखों को देने वाला, उत्तम सुखों को प्राप्त करने वाला ऐसा धर्म उसको कहूँगा, तुम्हें धारण करना हो तो कर लो। कोई भी साधु, दिगंबर साधु ये नहीं कहते हमारी बात तुम्हें स्वीकार करनी ही है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, हमने तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को आपके समक्ष रख दिया। आचार्य कुनकुन स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि सम्यक के गुण से, नियम से सुगति मिलेगी, नियम है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग पुस्तक स्थितवाणी, दुष्कुल अल्प आयु दरिद्र ताम चा नवरजति कहा। यह आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकरण शाकाचार्य के पहले अध्याय की 41 नंबर की गाथा में दिया है। 35 से लेकर के 41 नंबर की गाथाएं उन्होंने सम्यक के ऊपर कही। उन्होंने लिखा कि जो सम्यक दृष्टि है वह नियम से स्त्री नहीं बनता, त्रियंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, दुष्कुल में नहीं जाता, अल्प आयु प्राप्त नहीं करता। महानुभाव, सम्यक के लाभ बहुत हैं, लेकिन सम्यक से विपरीत जो है उससे हानि भी बहुत सारी है। इसलिए अपने संसार को नष्ट करना है तो सम्यक को धारण करो। और दूसरी बात दी है, मोहना छिज्जई, ये आत्मा मोह को नष्ट नहीं करता, और कठोर व्रत उपवास आदि जो हैं अनेक बार करता है, निश्चय से, निश्चय ये संसार का बिना किनारा नहीं पाता, फिर ये मूर्ख अनेक दुख क्यों उठाता है। व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, कई लोग लगे हैं होड़ में व्रत उपवास की, परिवार के सदस्य भी परेशान है। एक व्यक्ति ने तो अन्न का त्याग कर दिया है, अभी बेटे की नई शादी हुई है, बहू परेशान है कि बनाऊं क्या। एक व्यक्ति ने घी और तेल का त्याग कर दिया है, और भोजन करे तो कहे बहू भोजन अच्छा बनाती नहीं। ऐसे त्याग करने से तो संक्लेशता ज़्यादा बन रही है। बहुत सारे व्रत उपवास पकड़ लिए हैं, नमोकार भक्तांबर 64 रिद्धि चारित्र शुद्धि, लेकिन जितने व्रत उपवास पड़े करे, विचार करो कि चारित्र शुद्धि के 1234 के उपवास तो पकड़ लिए, लेकिन चारित्र की शुद्धि भी हुई या नहीं हुई। सातवें गुण स्थान में जाकर के चारित्र की शुद्धि होती है। छठा गुण स्थान परमादचर्या का है। अभी पंचम काल के मुनिराज छठे और सातवें में दोनों गुण स्थानों में झूला झूलते रहते हैं। सातवें गुण स्थान में जाकर के चारित्र की शुद्धि दी है। महिलाएं व्रत पे व्रत करे जा रही हैं, पुरुष खूब व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन रात्रि भोजन छूटा या नहीं छूटा, जमीकन छूटा या नहीं छूटा, और ये खाने पीने की चीज़ें भाजी तरकारी तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात, त्योहारों के समय पे मिथ्यात्व भी छूटा या नहीं छूटा। हकीकत बताना, अपने दिल से हाथ रख के पूछो कि जो तुम्हारी भई है उस भई पे फोटो किसकी लगी है। और कह रहे हैं कि हम तो चारित्र शुद्धि के व्रत कर रहे हैं, भगवान के माता पिता बन गए हैं, और मकान के मुहूर्त पे मकान के बाहर क्या रखा है, लिखा है, एक तरफ एक फोटो लगवा दी है, दूसरी तरफ दूसरी,
जो कार्ड है उस कार्ड पे फोटो किसकी छपी है, बहुत हमें समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम अभी अपने सही मायने में जो हमारा धर्म है उस धर्म को भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने घर में ही बस धर्म करो, घर में बैठ के ही। भैया जब घर में बैठने के लिए धर्म करने के लिए तुमने घर बना लिया तो फिर मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी? और जब मंदिर बनाया है तो फिर घर में बैठ के मंदिर पूजा करने की क्या ज़रूरत थी? हमें समझना पड़ेगा धर्म क्या है। नव देवताओं की पूजा करनी है जिसमें अरिहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु भी हैं। हम तो साधु की नहीं करेंगे, क्यों? पंचम काल में साधु होते ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा भैया, कहाँ लिखा है? पंच परमेष्टि जब नव देवता है तो नव देवता पंचम काल में हैं, चौथे में भी थे, पंचम में भी हैं, आगे भी पंचम में रहेंगे और चौथे में भी रहेंगे। नौ हैं, नौ ही रहेंगे, पंच परमेष्टि पाँच हैं, पाँच ही रहेंगे, चार नहीं हो सकते और नव देवता दस नहीं हो सकते। हमें अगर संसार को नष्ट करना है तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, मोहना छिज्जयप्पा दारुण कम्बम करी बारम। यह आत्मा मोह को नष्ट नहीं करता है और कठोर कर्म, दारुण से दारुण, कठोर से कठोर व्रत उपवास कर रहा है। दस लाक्षण में एक टाइम खाने वाले, एक टाइम में भी एक टाइम पानी पीने वाले, उसमें भी लौंग का पानी पीने वाले, उसमें भी पानी का भी त्याग करने वाले, दस के दस उपवास करने वाले, कुछ तो ऐसे हैं सोलह कारण कुछ साथ लेके करने वाले हैं, कहाँ रत्नत्रय को करने वाली लास्ट 32 उपवास ठोक दिए। 32 उपवास तो कर लिए, कषाय कम हुई या बड़ी? मिथ्यात्व को छोड़ा या नहीं छोड़ा? इतने दुनिया भर के आडंबर छोड़ दिए हैं, अभी तो उन कुदेवी कुदेवताओं को मानना ही नहीं छोड़ा है। एक बहू आई, कहने लगी महाराज जी मुझे बचा लो। हमने कहा क्या हो गया? कहने लगी महाराज जी मेरी शादी नहीं हुई है और सास कह रही है सुहाग दशमी का व्रत करना जरूरी है, नहीं करा तो तेरा सुहाग गया। हमने कहा दिक्कत क्या है? उनने कहा अगर व्रत कर लिया तो सुहागन चली जाएगी, अब बताओ करूं क्या? जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि उपवास ही करो। ये मान्यताएं रूढ़िवादी परंपराएं जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म कहता है पहले कषायों को क्रश करो, कषायों की संलेखना करो। व्रत उपवास तो बहुत आगे की चीज़ है, पहले अपने मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक दर्शन को मजबूत करो, पहले भगवान पे श्रद्धान तो करो, उनकी आज्ञा का पालन तो करो। आज्ञा का तो पालन करने से रहे, भगवान के मंदिर में ही लड़ रहे हैं, मंदिर में ही झगड़ रहे हैं, भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं, सब काम भगवान के नाम पे हो रहे हैं। भिखारी भी कह रहा है भगवान के नाम पे दे दो, पुजारी भी कह रहा है भगवान मेरी सुन लो, चोर भी कह रहे हैं भगवान बहुत दिन हो गए हाथ में कुछ नहीं लगा, चलो भगवान को ही उठा लो। पहले कहा करते थे हे भगवान हमें उठा लो, अब कहा करते हैं भगवान को ही उठा लो। हमने मायने ही बदल डाले, धर्म की परिभाषा ही बदल डाली है। मोह को, संसार को नष्ट करना है, क्रियाओं को कम करने से कुछ नहीं मिलेगा, निश्चय में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग को पहले पढ़ो, जानो, समझो और फिर उस पर चलो, बहुत आनंद आएगा। अनेक बार उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन मोह को नहीं छोड़ा, मिथ्यात् को नहीं छोड़ा। आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं निश्चय ही संसार समुद्र का किनारा नहीं पाता, फिर यह मूर्ख अनेक दुख क्यों उठाता है? इतने उपवास कर लिए, इतने व्रत कर लिए, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। कारण अभी
मिथ्यात्व ही नहीं छोड़ा, अभी हमने अंदर की कषाई नहीं छोड़ी, मोह ही नहीं छोड़ा। पहले के लोग परिवार बड़े थे, मोह कम था, परिवारों में आज संख्या मात्र एक बेटा, एक पत्नी, एक पति, तीन जने हैं, खुद भी दुखी औरों को भी दुखी कर रखा है। पहले के परिवार खुश थे, परिवारों की संख्याएं कम करने से परिवार वाले अब स्वयं दुखी हो रहे हैं। जिन्होंने सोच लिया हम दो हमारे एक, उसका रिजल्ट उनके सामने है, शादी का कार्ड आ गया है, त्यौहार के समय में रोते हैं और आज उनकी आंखों में ऐसे आंसू हैं कि आंसू नहीं, ऐसा लगता है खून टपक रहा हो। एक आदमी कितने काम संभाले, पहले 100 काम को 10 बच्चे बांट लिया करते थे, एक के हिस्से में 10 काम आते थे, आज घर के अंदर एक ही आदमी है, काम 100 के 100 ही हैं। काम जो के तो व्यक्ति एक, अब करो तुम 100 के 100। अब वो रो रहा है क्या करूं, दुकान कौन संभाले, मकान कौन संभाले, दुकानदारी के साथ साथ इसका उसका लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, और सबसे बड़ा वो समाज का हासिल जो खड़ा है वो अलग, और जो काम नहीं किया उसके बुरे करें क्या, जो किया था वो भरोगे उसका दंड तो मिलेगा। परिवार छोटे हो गए लेकिन शांति नहीं, बड़ी नहीं है, घटी है। कारण छोटे परिवार से मोह ज़्यादा हो गया है, कहीं ये बेटा चला गया तो हमारा कौन रहेगा। बेटे के प्रति मोह नहीं है, प्यार नहीं है, स्वार्थ ज़्यादा है कि अगर ये बेटा चला गया फिर हम क्या करेंगे। जैसे किसी पार्टी ने कुछ कह दिया, ठीक है दो जनों में लड़ाई करा दी, दो जातियों में, अब वो बचा रहे हैं कि भैया अगर हम हार गए तो वो पार्टी हमें ख़त्म कर देगी। ऐसे ही परिवार वाले सोच रहे हैं कि हमने एक बेटा तो कर लिया, एक बेटी कर ली, अगर ये चले गए तो इसके बाद हमारा क्या होगा। महानुभाव, मोह बड़ा है घटा नहीं, और सही बताएं मोह के साथ साथ स्वार्थ और ज़्यादा बढ़ गया। और भुगतान क्या है, अब एक ही बेटा है, लात मारे मारे या लात मारे, रहना वही है, रहना है, सहना है, ना कहना है, अकेले में बैठ के रोना है, और फिर यही समझ में आता है मेरे कर्मों की सजा है। उस समय निकल के आता है काश दो चार होते तो थोड़ा थोड़ा समय रह के गुजार लेता। महानुभाव, अपने जीवन में जो हमने दारुण से दारुण कष्ट उठा लिए हैं, व्रत उपवास कर लिए हैं कठोर से कठोर, लेकिन उनको करने के बाद हमारा मोह बढ़ा या घटा, संक्लिष्टता बढ़ी या घटी। अगर संक्लिष्टता घट रही है तो सोच लेना व्रत उपवास तुम्हारे सार्थक हो गए, और अगर संक्लिष्टता बढ़ रही है, दान दे करके दुख हो रहा है, त्याग कर करके संक्लिष्टता बन रही है, तो सोच लेना आपने ना तो त्याग करा, ना आपने दान करा, ना आपने धर्म करा, उससे आपको हानि हो गई। इसलिए सबसे पहले अपने मोह को कम करो। दूसरी बात, परिवार से मोह होना ये संसार का कारण है। बेटा बेटी शादी हो गई बेटी की, लोग कहते हैं कन्यादान कर दिया। एक व्यक्ति कह रहा था हमने बेटी दी है, हम बड़े हैं, दे दी या नहीं दी। ये बात वही कह सकता है जिसने भी नहीं दी। जिनने दे दी वो तो भूल गया, पहले के लोग कहा करते थे बेटा तेरी शादी कर दी, अब तू कभी इस घर में लौट के मत आइयो अकेली, अगर अकेली आना हो बाप का घर समझ के आए तो ये सोच लियो तेरे माता पिता मर गए, कह दिया करते थे, अब तो
जमाना ही बदल गया। पहले ही कह देते हैं बेटी कोई बात हो तो फोन कर दियो, पूरा कुनबा महीना जरावेगा। दान किया कहाँ है, अभी तो साथ लेके घूम रहे हो। सास और बहू में झगड़ा किस बात का है? बेटे की शादी होने के बाद माँ को ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरा बेटा बट गया, लेकिन छोड़ने की परंपरा तो हमारी है ही नहीं। मोह दुखी क्यों है? हम हमारी इस परिवार के सदस्यों के प्रति जो आसक्ति है वो हमें दुखी कर रही, उस आसक्ति को हमें कम करना पड़ेगा। कुटुंब परिवार और ये जो पुद्गल की सामग्री है बड़ा मुश्किल है। महाराज जी हम तो आज ही घर छोड़ दें, लेकिन बेटा कह दे तो। वाह रे वाह, चिकने घड़े, बेटा कहने का नहीं और तुम्हें जाने का नहीं। पत्नी कह दे तो, पत्नी कह रही है अभी पोते को पड़पोती को उसकी शादी और देख लूँ, पड़पोते को नहीं पड़पोते की शादी और देख लूँ। पड़ी रहे भैया, घर में पड़े रहो, और आखिरी में फिर रो रहे हैं बचा लो, अब कोई नहीं बचाना, अब तो पड़पोते से ही कहो वही बचाए तुम्हें। इसलिए कुटुंब परिवार के सदस्यों से मोह कम करो। संसार में अटकने का कारण ये मोह है। दूसरी बात, व्रत उपवास करने में मोह कितना कम हुआ? आचार्य बट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, व्रत उपवास क्यों किए जाते हैं? जिससे कि शरीर क्रश हो जाए। शरीर क्रश होगा, कमजोर होगा, शिथिल होगा तो व्यक्ति आत्मा के निकट ज़्यादा जाएगा। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट चले जाते हैं, सुखी होते हैं तो हम पर में चले जाते हैं। व्रत उपवास करने से मोह कम कितना हुआ उसको देखें। व्रत कर लिए, 10 लाक्षण की है, अष्टानिका के 8 उपवास कर लिए जोश जोश में आकर के, और सुबह पूछे कहाँ हैं, घर में हैं, शाम को कहाँ पर हैं, कमरा बंद एसी चला के पड़े हैं। उनसे कह रहे हैं भैया क्या हुआ, बस 2 दिन रह गए, 2 बचे हैं 2। अब भैया तुम गिन गिन कर दिन काट रहे हो, गिन दिन मत काटो, उम्र कटती जा रही है, ऐसे काम मत करो। व्रत तो वैसे ऐसे व्रत करो जिससे तुम्हारा मोह कम हो। और उसके साथ साथ पुरुषार्थ करने के बाद भी लक्ष्य क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में भी कमी है। मोह कम करने के लिए हमें पुरुषार्थ भी वही करना पड़ेगा जिससे मोह कम हो। मोह कैसे कम हो? सबसे अच्छा उपाय दिया है, 2-3 उपाय दिए हैं। ये तो शराबी बनना हो शराबी के साथ रहो, जुआरी बनना हो तो जुआरी के साथ, व्यापारी बनना हो तो व्यापारी के साथ, और अगर निर्मोही बनना हो तो निर्मोहियों के साथ रहो। लेकिन आज स्थिति ये है, व्यक्ति चाहता तो है कि मैं निर्मोही हो जाऊं, और रहना चाहता है बेटे के साथ ही। पत्नी नहीं छूटती, मोह छोड़ना है। अगर मोह छोड़ना है तो निर्मोहियों के साथ रहना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी साधु के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। भैया साधु के साथ तो वही रहेगा जो निर्मोही होगा। वो कहे कि हमें यहाँ पर सुविधाएँ चाहिए, यहाँ तो एसी नहीं है, कूलर ही नहीं है, पंखा ही नहीं है, और पंखा तो छोड़ो, लेटने के लिए भी, आराम करने के लिए अच्छा बिस्तर भी नहीं है। भैया निर्मोही को ये सारी सामग्री नहीं चाहिए, ये सामग्री तो मोहियों को चाहिए, जो रागी हैं, जो लंपटी हैं, जो इस संसार में आसक्त हैं, जो भोगों में लिप्त हैं, उन लोगों को ये सामग्री चाहिए। मोहियों को, निर्मोहियों को इन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं, और मोही इनके बिना रह नहीं सकता। इसलिए निर्मोही बनना है
अगर मोह को कम करना है तो निर्मोहियों के साथ रहो, मुनियों के साथ रहो, साधु संतों के साथ रहो। दूसरी बात, अगर मोह कम करना है स्वाध्याय को करो। प्रथमा नियोग का स्वाध्याय हमारे मोह को कम करता है, मोह की जंजीर को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही प्रथमा नियोग का स्वाध्याय करोगे आपका वैराग बढ़ेगा। आप जब सतियों का, महापुरुषों का, गज कुमार मुनि, सुकोशल मुनि, सनत कुमार चक्रवर्ती, पारसनाथ भगवान, इसके साथ साथ कुलभूषण, देशभूषण, श्री रामचंद्र जी, सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदा सती, ऐसी ऐसी सतियाँ हुई हैं, जब इनका आप चरित्र पढ़ोगे एहसास होता है, ज्ञात होता है। पढ़ते पढ़ते आंसू क्यों निकल रहे हैं, अंतरंग से आवाज़ आती है, ऐसा काम मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मन करता है और अच्छी चर्या करेंगे। फिर चरणा नियोग पढ़ो चरित्र अच्छा करने के लिए। विरक्ति बढ़ती है, बढ़ाते रहो, चरित्र अच्छा करने का मन करता है, चरणा नियोग पढ़ो। और चरणा नियोग और प्रथमा नियोग पढ़ते पढ़ते 12 भावना का चिंतन करते रहो, ऐसा मोह टूट जाएगा, विरक्ति आ जाएगी, वैराग बढ़ जाएगा और निर्मोहियों के साथ आप भी निर्मोही होकर के रहने लग जाओगे। महानुभाव, मोह को कम करने की यही उपाय हैं, स्वाध्याय, निर्मोही के साथ रहना और उसके साथ साथ 12 भावनाओं का चिंतन, 12 भावनाओं का पाठ, वैराग्य भावना, 12 भावना, ये हमारे वैराग को, हमारे मोह को कम करती है, वैराग को बढ़ाती है। हम अपने जीवन में अगर इस संसार को नष्ट करना चाहते हैं तो मोह को कम करो। व्रत उपवास की संख्या मत बढ़ाओ। आज के समय में घर के सदस्य धर्मात्मा लोगों से परेशान हैं। अगर कोई एक प्रतिमाधारी है तो उसका पूरा परिवार उससे दुखी है। वो चाहता है, अगर कोई स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है, उसने 2 ग्रंथ पढ़ लिए, 4 पन्ने ग्रंथ के पढ़ लिए हैं, तो पूरा परिवार, पूरा कुनबा उससे दुखी है। बुला बुला के सुन मेरी, क्यों भैया तुमने पढ़ लिया, ज्ञान को पचाओ। कोई व्रति बन गया, त्यागी व्रति बन गया, प्रतिमाधारी बन गया है, तो वो चाहता है कि घर के सभी सदस्य प्रतिमाधारी बन जाए। भैया तुम तो 60 में बने, बच्चे 25 में बन जाए, ऐसे कैसे होगा। तुम्हारे हाड़ घिस गए, गाल भी लटक गए, खाल भी झटक गई, बाल भी उड़ गए, इस उम्र में, जिस उम्र में तुम्हारे दांत भी गिर गए, आंत में ने भी जवाब दे दिया, उस समय में तुमने प्रतिमा ले ली, और तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे वो भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म अगर कर रहे हो तो अपने लिए करो, दूसरे के लिए मत करो। कोई दूसरा व्यक्ति आपका धर्म स्वीकार नहीं करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।